न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव शुरुआती सुझाव में अब भाजपा आगे। एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की शुरुआत सुझाने में बहुमत की ओर। जम्मू कश्मीर में जो संविधान को मान लेगा वही भाजपा का नेता कहलाएगा। आई देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव शुरुआती सुझाव में अब भाजपा आगे। नई दिल्ली में शुरुआती सुझाव में आगे रहने के बाद कांग्रेस अब पीछे चल रही है। भाजपा बहुमत के करीब ही नजर आ रही है। अब यह सुझाव परिणाम के तबदबित में होगा, जब हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड बनाएगी। जुलान विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारी कविता रानी ने तकरीबन 200 मतों से आगे चल रही है। शुरुआती सुझाव में भाजपा प्रत्याशी रोगेश कुमार चौथे स्थान पर चल रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। एनसीपी कांग्रेस गठबंधन शुरुआती सुझाव में बहुमत की ओर। लगभग एकादशी बहुमत जम्मू कश्मीर में रेमाहू विधानसभा चुनाव नाओ के मताओ कंग्रीती शुरू हो गई है, जिसके चलते चुनाव के दौरान कयास लगाया जा रहा है कि जमात इस्लामी का चुनावी मैदान का प्रवेश और तमाम निर्देशन प्रत्यक्षित की उपस्थिति कश्मीर घाटी से राजनीतिक गहराई से प्रभावित हो सकती है। लेकिन वर्तमान सुझाव के अनुसार परंपरागत पार्टियां ही आगे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुल 40 सीट पर आगे चल रही है और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, वही भाजपा 23 सीटों पर आगे और प्रफुल्ल क्रमोस्टेड पार्टी डिप्टी सिर्फ 3 सीटों पर आगे है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में जो संविधान को मानेगा वही भाजपा का नेता कहलाएगा। मंगलवार को देश के दो प्रदेशीय हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ रहे, लेकिन इसके चलते भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवर्तक प्रतीन्द्र भंडारियों ने आईएसएस के खास बातचीत की प्रतीप भंडारी ने कहा है कि हम बहुत कैबिनेट उनके हैं और जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय पार्टी जनता के चलते नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिना जम्मू कश्मीर की रजिस्ट्रेशन से सरकार नहीं बन सकती और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रो इंडिया और प्रो डेवलपमेंट गठबंधन जीत दर्ज कराएंगे। जो संविधान मानता है, जिसके हाथ में तिरंगा है, जो पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाएगा, वो भाजपा के साथ अलायंस में आएगा। जम्मू की रीजन्स पार्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि फारूक अलाद और महुबन मुक्ति खुद 2024 में चुनाव हार चुके हैं। वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है मिनस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।